काजल उसको लगाया जा रहा है, और काजल लगाने का इतना नखरा होता है इसका, इतना नखरा उठाना पड़ता है, क्या बोले आप जैसे खुद देख सकते हो उसको काजल लगा। दोस्तों गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग, कैसे आप सब, आई होप कि बहुत प्यारे स्वस्थ और मस्त होंगे। इसलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। सबसे पहले प्यारा सा दिन है बाहर, और हल्का हल्का धूप है और ठंडा ठंडा हुआ, और गर्मी तो भाई साहब बोल नहीं सकते, इतना गर्मी है कि बोल नहीं सकते। और यहाँ पे कचरे वाले का इंतज़ार कर रहे हैं, कचरा वाला आया नहीं है दो दिन से, कचरा फेंकना है, बहुत सारा जमा हो गया है कचरा, और अंदर अंधेरा है क्योंकि टुकू सो रहा है, इसलिए लाइट बंद करके सुला रहे हैं। और लाडो पी हूँ, स्कूल गई हुई है और दो दिन से नहीं गई हुई थी स्कूल, तो आज स्कूल को भेजे हैं। और अभी काफ़ी जस्ट सुबह सुबह घर का साफ सफाई हुआ है, झाड़ू पोछा लगा है, और टुकू मस्त एकदम सो रहा है, इसलिए अंधेरा कर दिए रूम, क्योंकि वो रात में सोया नहीं था गर्मी की वजह से, तो इसलिए दिन में मस्त नींद पूरा कर रहे हैं। तो गाइस, तो लाडो पी पहुँच चुकी है घर, अभी जस्ट भाई बाहर धूप की वजह से जल्दी जल्दी धूप छाता लेना की ज़रूरी है, बिना छाता का चलो को बहुत ज़्यादा धूप लगता आते के साथ दोनों को बदमाशी। चलो साइड करके रखो जूता सबका। मेनू में है चावल दाल भुजिया चोखा दाल, और इधर चोखा सब्जी नहीं लेती है, पता नहीं क्यों ऐसे ही खाती, और मोबाइल के साथ एंजॉय करते हुए खाना। तुको हाँ, एक बाकी है, एक यहाँ एक वहाँ। अरे ये रहे, बैठो खाना खाओ। क्या हुआ तुमको, क्या हुआ टुको, क्या हुआ, क्यों रो रहा है? ओह दोस्तों अभी टाइम है, अब जैसा देख सकते हैं, अरे देख ना भाई ठीक हो जा बोलर। हाँ, और पीहू अभी तक सोई हुई है, और लाडो चूना लगा के अभी आई है। क्या है ये, क्या है ये, क्ले, इसका क्या होता है, बनता है क्या, खोल के दिखाओ इसमें, तो कुछ बना के दिखाओ उसमें ब्लॉग में। तो दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं पूरा फेस कैसा हो रखा है गर्मी के वजह से, और दो दिन से रूम में नहीं थे हम लोग, तो रूम पूरा गंदा हो रखा है, तो अभी चलेगा रूम का साफ सफाई मस्त वाला एकदम। और जैसा कि देख सकते हैं टुकू खाना खिलाया भी जा रहा है, और खाना खाता नहीं, बहुत ज़बरदस्ती करके इसको खिलाना पड़ता है। सो गाइस, तो अब चलते हैं टुकू के पास, सुबह से टुकू से मिले नहीं हैं आप लोग, तो टुकू से मिलाते हैं। तो अभी आगे इस पहन रहा है, ये ठीक करो रे, ठीक करो इसका, ठीक करो, नंगा पुंगा दिख रहा है टुकू, हेलो कर दो टुकू, हेलो कर दो, हेलो हेलो हेलो, नहा लिया, नहाया नहाया टुकू, चलो उसको कपड़ा पहनो, पहले कपड़ा पहनो, बिना कपड़ा का अच्छा नहीं लग रहा है, टुकू को नहीं दिखाएंगे अब, टुकू को नहीं दिखाएंगे, टुकू को नहीं दिखाएंगे, चलो कपड़ा जल्दी पहन लो तब दिखाएंगे। और इधर ये दोनों का कानूनी गिरी आप देख सकते हैं, क्या बन रहा है पता नहीं, लेकिन बना रही है। फ्लैंक दे दो बेटा, दे दो दे दो, दस रुपया देंगे, चलो फ्लैंक दो, दस रुपया देंगे, और स्कूल से आने के बाद सो के अभी जस्ट जगी है, और देख सकते हैं इसका नाम ही भूल जाते हैं, क्या नाम है, चलो टी शर्ट बना लो। तो ये मेरा छोटा सा संसार है, इसी में हम दिन भर हम लोग टाइम बिताते हैं, जैसा कि देख सकते हैं। और शाम का वक्त हो चुका है, बाहर थोड़ा थोड़ा धूप कम होने लगा है, तो ताकि इंसान मार्केट वगैरह जा सके। बल्ला रेडी हो गया, टुकू मेरा रेडी हो गया, आ जा टुकू, चल जा पापा से, आ जा जय 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 जय, हेलो कर दो, हेलो कर दो, हेलो
हेलो हेलो से हेलो 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 कर दो हेलो कर दो हेलो हेलो कर दो ना हेलो कर दो दाढ़ी नोच रहा है दाढ़ी बना देगा मेरा दाढ़ी बना देगा मत करो आज को जितना बोलेंगे उतना ही करेगा तुम्हारा हेयर स्टाइल बिगड़ा पड़ा है टुगो इसका हेयर स्टाइल ठीक करो पहले हेयर स्टाइल ठीक करो टुगो का पहले या हनी सिंह है देखो बन गया हनी सिंह दाढ़ी बनाने वाला इधर इधर थोड़ा बेटा दे दो उसको खेलने के लिए लो दुबला गया है दुबला हो गया है टुगो इसका मन होगा तो खेलेगा नहीं तो कोई उपाय नहीं तो भाई साहब लीजिए लाइव है अपने घर से आप देख सकते हैं ठीक ऐसा करो अरे अरे तो इसका एक छोटा सा कहानी है जब हम लोग बचपन में जब दुर्गा पूजा देखने जाते थे तो इस तरह का ये आवाज़ पूरा मार्केट में तो वो ये तोता है वो होता था बजाने वाला आता था बीन टाइप का वो बजाते थे पूरा रास्ता एकदम बिल्कुल हम लोग बजाते हुए घर जाते थे तो मतलब मोहल्ला घुसते ही पता चल जाता था कि हाँ भाई ये लोग मेला से आ चुका है मार्केट से आ चुका है मतलब दुर्गा पूजा देख के आ चुका है मतलब वो नहीं बजा तो दुर्गा पूजा कंप्लीट नहीं हुआ ये चीज़ पहले हुआ करता था आप पता नहीं होता है नहीं उसको लगाया जा रहा है और काजल लगाने का इतना नखरा होता है इसका इतना नखरा उठाना पड़ता है क्या बोले आप जैसे खुद देख सकते हो उसको काजल लगाने का ये विधि भी चल रहा है लेकिन वो काजल नहीं लगा पा वो काजल से पता नहीं क्यों बहुत डरता है और हम लोग के घर में शायद मम्मी उम्मी का कहना होता है कि काजल लगाने से आँख बड़ा होता है इसलिए काजल लगाया जाता है शायद मेरे भी बचपन में लगा ही होगा पक्का लगा होगा मम्मी जब ये सब बता रही है तो पक्का लगा ही होगा हो गया अरे तुम हीरो बनेगा टुको अभी हीरो बनेगा डर मत हां लगता है नखरा करते हो हां आपकी भी मम्मी भरदम कूदती होगी तो हम भी मार खाते होंगे जरूर मार खाते होंगे पकड़े कहां हाथ पकड़े जय जय सीताराम सीताराम तो पूरा नौटंकी होता है इसको काजल लगाने हले 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे और काजल का कहावत है कि नजर नहीं लगता है बच्चे लोग को काजल लगाने से